नमस्कार, मैं मानसी धामने और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज। आइए नजर डालते शहर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। झूलेलाल मंदिर के नव निर्माण के चलते वही के रहवासियों के साथ युवा नेता ओमी कलानी ने की मीटिंग। आइए जानते इस मीटिंग में क्या हुआ। झूलेलाल मंदिर को मैं भी मानने वाला हूँ। हम हर एक सिंधी झूलेलाल भगवान को मानते हैं। यहाँ तकलीफ ये है कि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो एक नया रोड ले रहे हैं। वो रोड जो पुराना जो एक इंटरनल रोड आता था मंदिर के थ्रू, वो रोड वो लोग बंद करके एक नया रोड ले रहे हैं। और वो रोड भी काफ़ी हद तक बहुत छोटा कर दिया है रोड। तो मैं खिलाफ़ नहीं हूँ मंदिर के, मैं खिलाफ़ हूँ कि ये जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं बाहर, उसके पीछे 400 फैमिलीज बसे हुए हैं। 400 फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रोड का काम बंद कराया है और मैं ये बनने नहीं दूंगा। जब तक ये 400 फैमिलीज सेटिस्फाई नहीं होंगे वो मैं होने नहीं दूंगा। कि भाई सब पार्टीज मिलके भी जो काम मैंने बंद कराया वो चालू नहीं करा सकते हैं। इस मीटिंग के दौरान कुछ बातें ऐसी भी की गई जहाँ पे आप उपस्थित नहीं थे। किसी नेता ने ये कहा था मीटिंग के दौरान कि बाप अंदर गया है, बेटे की बारी है, और हाथ काटने की धमकियाँ भी आई थी, तो इस विषय पर आपको क्या कहना रहेगा? हाथ काटना तो दूर की बात, कोई छूने की कोशिश करे तो वो खुद कहाँ पहुँचेगा वो मुझे पता है। पीठ पीछे लोग बात करते हैं और मैं आदि हूँ इन चीज़ों का। मेरे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पीठ पीछे जो लोग बात करते हैं मेरे सामने है, मेरे सामने आके बात करें फिर मैं बताऊँगा। मैं ये रोड बनने नहीं दूँगा। ये रोड जो 400 परिवार पीछे रह रहे हैं उनको न्याय मिलेगा, ऐसा मैं इनको आज कमिटमेंट करने आया हूँ। कल मुझे कल के मीटिंग की और भी कुछ जानकारियाँ मिली कि लोग बोलते हैं कि बाप अंदर है, अब बेटे का नंबर है। अरे मेरा बाप पब्लिक के लिए अगर गया है तो मुझे ये सिखा के गया है कि तुमको भी अगर अंदर जाना पड़े तो तुम भी पब्लिक के लिए अंदर जाओ। मेरे पीछे मैं मेरे दो वंश छोड़ के जाऊँगा जो उनसे लड़ेंगे। मंदिर बनना चाहिए। मैं खुद ये मंदिर यहाँ ये मंदिर में हमेशा आता जाता हूँ। मेरे माता पिता का ये मंदिर में बहुत श्रद्धा है, आस्था है। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा एक ही कहना है कि जो पीछे 400 परिवार हैं उनको दुखी करके ये रोड बने ऐसा बनना नहीं चाहिए और मैं होने नहीं दूंगा। वो जब जब पीड़ बड़ी बख्तन पर तो कोई ना कोई बचाने के लिए आता है, उसी तरह हमारे शहर उल्लासनगर में जब भी किसी भी समुदाय किसी भी समाज के ऊपर तकलीफ हुई है तो एक परिवार सदैव आ गया है, वो है कालानी परिवार। फिर चाहे वो हमारे पप्पू कालानी जी थे या हमारे भाई ओमी कालानी जी हों, पूरा शहर एक तरफ, सभी पार्टियां एक तरफ इस ट्रस्टियों के साथ खड़े थे। यहाँ पे एक दिक्कत मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये निर्माण मंदिर का निर्माण ना होकर एक परिसर शादी के हॉल बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ अलग होटलों का काम किया जा रहा है, जो सच्चाई है, जो नक्शे दिए गए हैं, यहाँ पे किसी मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। झूलेलाल ट्रस्ट ने इतनी गलतियाँ करके, और सबसे पहले पिछले दो वर्षों से अगर यहाँ के परिसर के 481 परिवार जो भुगतान कर रहे हैं, आज यूपी के जैसे हालात यहाँ पे किए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ दे पलायन करो, तो एक ही टीम, एक ही हमारे भाई कालानी परिवार, हमारे ओमी कालानी जी हमारे बुलावे पर अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं आए हुए सभी मेहमानों का, हमारे पंकज त्रिलोकानी जी, संतोष पांडे जी, निकम जी, के पहले भी उन्होंने एक हनुमान की तरह रक्षा कर इन परिसर के लोगों का साथ दिया है। आगे भी आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। ओमी कालानी जी आपको धन्यवाद, जो हम पड़ोसियों को साथ दिया। हमने भाऊ को हाथ जोड़े थे लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपका रास्ता नहीं बंद करेंगे। बाद में दो दिन के बाद उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, हमारा रास्ता बंद कर दिया, और पड़ोसी उनको बोलने गए तो उनको धमका के मारने लगा, तो हमारे को जोश आ गया।
तो हम ओमी कल्याणी के पास गए और ओमी कल्याणी ने हम सच्चाई को साथ दिया है, हम भी ओमी कल्याणी को साथ देंगे, सच्चाई को साथ देंगे। यहाँ की गर्ल्स आ रही हैं, सेफ्टी चाहिए उनको क्लासेस के लिए। मंदिर वाले कभी भी हम लोग मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, जो मंदिर में सहयोग चाहिए वो जरूरी है कि रास्ता बंद करके आप अपना काम करो, ये तो गलत है ना। यहाँ का कोई है ही नहीं ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है जो नहीं हो रहा है तो उसको चलो चलने दो। भगवान के नाम पे, भगवान ऐसा थोड़ी नहीं बोलता है कि तुम अपना उल्लू सीधा करो और पब्लिक को अलग कर दो। भगवान चाहता है कि पहले मेरी जनता देखो, मेरे बच्चों देखो, फिर तुम अपना काम करो। तुम अपने प्रॉपर्टी के लिए सोचोगे तो वो गलत करेंगे और भगवान तुम्हारे को देखता है। बाउंसर लोग बुला के पड़ोसियों को धमका रहे है, इसलिए मैंने आगे कदम उठाया और ओमी कल्याणी का साथ लिया और ओमी कल्याणी को बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बरसात का मौसम आ चुका है और शहर के कई जगहों पर पानी की समस्या दूर हो चुकी है, लेकिन उल्लासनगर एक स्थित ठाकुर स्टूडियो परिसर के रहवासियों को अभी भी पानी की समस्या है। इसी के साथ साथ रास्तों पर खड़ा होने के कारण भी कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उल्लासनगर एक स्थित ठाकुर स्टूडियो के बैक साइड में। यहाँ के व्यापारी है परेशान खड्डे की समस्या को लेकर। हमारे साथ मौजूद है जय महादेव शॉपकीपर एसोसिएशन के पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर आप हमें बताइए, ये खड्डे की समस्या आपको कितने दिनों से है? ये 20 दिन से लेकर के एक महीने तक यहाँ पे खड्डे खोद के चले गए और व्यापारियों को पीछे से इतना भुगतना पड़ा है कि उनका सब आने जाने का भाड़ा जो भी है, मजूरी है, माल नहीं आ पा रहा है, लोग आने जाने वाले लोग घिर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो गई है, आने जाने के व्यापार बंद हो गया है यहाँ पे। लेकिन कोई भी आदमी ध्यान नहीं देता है, कोई UMC का भाई यहाँ पे खड्डे इतने खोटे पड़े हैं तो उनके लिए कुछ दुकानदारों के लिए कुछ सुविधा की जाए, लेकिन वो बात नहीं हो रही है। माताएं बहनें सब गिर रहे हैं, इतने बड़े खड्डे में आदमी लोग गिर रहे हैं, तो कोई किसका हाथ पैर टूटता है, कोई धंधा व्यापार बंद हो गया है, कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। और पीछे भी बाथरूम है पूरा, इतनी गंदगी हो गई है, कोई सफा नहीं कर पा रहा है। पूरे व्यापारी लोग अंदर बाथरूम में जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई आदमी आता नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, वो खुद आके विजिट करें यहाँ बाथरूम भी और खड्डे भी, तो उनका कुछ रास्ता निकाल के दे व्यापारियों को कि हम लोगों को किसके पास जावे। आखिर में आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पब्लिक के लिए रास्ता चालू हुए और व्यापार का अपना जो व्यापार है, अभी ईद का सीज़न है, व्यापारियों को माल लेके जाने में तकलीफ हो रही है, ट्रांसपोर्ट पर पूरा तकलीफ हो रहा है, व्यापार का तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर किसी को भी पड़ी नहीं है जो हमारे कोई व्यापारियों को सुने, इसलिए मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब को कि वो खुद ताबड़तोब आके विजिट करें और ये हमारा जो तकलीफ है वो दूर करें। कम से कम 20 दिन से कचरा पड़ा है मेरे पास, दुकान पे ग्राहक आ नहीं सकता है। मैं और जो आने जाने वाला है, बहुत रोज गाड़ी गिरती ही है इधर से, बहुत तकलीफ है। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके रोड बना दो। मेरे ठाकुर फोटो स्टूडियो के बाजू में जो रास्ता जाता है मायापुरी कॉम्प्लेक्स, मायापुरी अपार्टमेंट के तरफ, वो रास्ता करीबन एक महीने से खोदा गया है पाइपलाइनें डालने के लिए, पर उस रास्ते पे ना कोई काम हो रहा है, ना ही कोई महानगर पालिका के तरफ से कोई आदमी आके यहाँ पे, कर्मचारी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके वजह से हम सभी भाइयों को, व्यापारी भाइयों को यहाँ पे आने जाने की तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पे रहने वाले जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो सब यहाँ पे खड्डों में गिर रही हैं। इसके वजह से हम आप महानगर पालिका के UMC साहब कमिश्नर को निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे आके साइड विज़िट करें और जल्द से जल्द व्यापारी भाइयों का और यहाँ पे रहने वाले नागरिकों का की तकलीफ़ दूर करें। धन्यवाद। आप हमें बताइए, आपको कितने दिनों से पानी की यहाँ पर समस्या है? 4 मंथ से हम लोग को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है पानी की। कारी माखी जहाँ हमारे बाजू में कॉर्पोरेटर है, वो हमको बोरिंग का पाइप रोज देते हैं, हम लोग उसमें से चलते हैं, नहीं तो हम लोग मर जाते हैं पानी की वजह से। हमारे बाजू में एक इंसिडेंट भी हुआ है, बाजू में एक लेडी को पैरालाइज हो गया इसकी वजह से, पानी की वजह से, बाल्टी उठा उठा के। पानी का टैक्स भरते है ना हम, तो पानी तो चाहिए ना, हमको पानी की सुविधा करके दो। चार महीने से बिल्कुल पानी नहीं आता है, ये कौन सा, किधर बन जाओ वो बोलता है, उसके पास जाओ वो बोलता है, इसके बाद किधर किधर जाने का, इतना खड्डा खाना है इधर, ये महीने से एक महीने से पड़ रहा है ऐसा ही, कौन करेगा ये। बॉलीवुड के कई रियलिटी शो से जुड़े हुए हमारे मित्र
राजेश सलरेजा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा जनादेश की पूरी टीम की ओर से। पिछले 10 सालों से अनगिनत लोगों को अवार्ड फंक्शंस, कौन बनेगा करोड़पति, 10 का दम, इंडियन आइडल, झलक दिखलाजा और टीआरपी में सभी रियलिटी शोज को पीछे छोड़ने वाले कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के द्वारा कई लोगों को उनके चहेते टेलीविजन एक्टर्स और फिल्म स्टार से मिलाकर उनका सपना साकार किया। हमारे प्रिय मित्र राजेश तलरेजा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। उल्लासनगर 3 स्थित राजावीर मंदिर में साहित्य चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वास्थ्य भारत योगा केंद्र द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने इसका लाभ उठाया। उल्लासनगर 3 स्थित राजावीर मंदिर में, जहां पर स्वस्थ भारत योगा केंद्र व सहायता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है इस संस्था के पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे। अभी ऑलमोस्ट 150 लोगों ने डोनेट कर चुके हैं और हमारा टारगेट है शायद 300 तक हम टच करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। मैडम, आजकल जैसे डायबिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है और उसके वजह से लोगों का हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो उनको ब्लड चाहिए ही चाहिए। रक्त एक ऐसे चीज़ है, साइंस कितनी भी तरक्की करे एक ड्रॉप नहीं बना सकती है, वो सिर्फ परमात्मा ने हमारे शरीर में वो कैपेसिटी दी है। तो हम वो इसीलिए किया है कि जैसे हम और हमारे बॉडी में एवरी 6 मंथ्स हम लोग को डोनेट करना ही चाहिए, यही मेन उद्देश्य है कि किसी न किसी ज़रूरतमंद को पड़े। ओसा एक बात और है, इस एक ब्लड बॉटल के माध्यम से 3 जन को फ़ायदा होता है। एक आदमी को प्लाज्मा मिलता है, एक आदमी को प्लेटलेट्स मिलती है और एक को ब्लड मिलता है। तो यही हमारा है कि वी शुड हेल्प द सोसाइटी। बहुत जल्द आने वाला है 2017 का चुनाव, इसी को देखते हुए उल्लासनगर 2 स्थित कालानी महल में वोटर आईडी कार्ड कैंप का आयोजन किया गया है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। टीम ओमी कालानी के तरफ से एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है, एक कैंप आयोजित किया गया है इलेक्शन के लिए। इफ़ यू आर नॉट अ वोटर, यू कैन एनरोल योर सेल्फ फॉर वोटिंग। आप अगर आपका नाम अब तक वोटिंग लिस्ट में नहीं है, अगर आपके पास अब तक इलेक्शन कार्ड नहीं बना हुआ है, आपका अगर 18 साल का उम्र हो गया है, 31 दिसंबर 1998 तक अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप इस एनरोलमेंट में शामिल होकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर अपने नाम का इलेक्शन कार्ड आप बनवा सकते हैं।
अब जिस तरह से महिला हर जगह हर ऑफिसों में तहसीलदार ऑफिसों में जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ता है वहाँ उनको भटकना पड़ता है, फिर ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उनको फिर से घर पर जाके फिर वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वो भागदौड़ करनी पड़ती है, तो ये टीम ओमी कालानी की तरफ से हमने ये डोर स्टेप फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है ताकि आप घर बैठे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके हमारी टीम ओमी कालानी की तरफ से कोई भी मेम्बर आके आपके यहाँ से डोर स्टेप से कलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ये सब सब नागरिकों के लिए जो वर्किंग है, जिनके पास टाइम नहीं है पॉसिबल, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती है, जिनका अब तक कोई इलेक्शन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन सब के लिए ये सेवा बनाई गई है कि हम खुद घर आकर आपके डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी उल्लासनगर 3 स्थित सम्राट अशोक नगर में उमंग फाउंडेशन द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल की ज़रूरतमंद चीज़ें दिए गई। उल्लासनगर 3 स्थित अशोक सम्राट नगर में जहां पर उमंग फाउंडेशन द्वारा बच्चों में स्कूल सामग्री बांटी गई, स्कूल स्टेशनरी बांटी गई। हमारे साथ मौजूद हैं उमंग फाउंडेशन के पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर आप हमें बताइए आज कितने बच्चों में स्कूल सामग्री दी गई? मैडम लगभग 13,000 बच्चों में आज स्कूल सामग्री बांटी गई है। ये बच्चे अपने आसपास के उल्लासनगर के आसपास के उल्लासनगर के बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पिताजी माताजी कहीं डेली वेजर हैं, कहीं ऑटो ड्राइवर हैं, कहीं इन्हों घर में जाके काम करते हैं, डेली वेजर की तरह काम करते हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। उमंग फाउंडेशन पिछले 9 साल से इस एरिए में बच्चों को मदद और सपोर्ट कर रहा है। सामग्री में क्या क्या आपने बांटे? सामग्री में स्कूल बैग हैं, नोटबुक्स हैं, लॉन्ग बुक्स हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर, कलरिंग बुक, ड्राइंग बुक, मल्टी एक्टिविटी बुक और काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो बच्चों को डेली जरूरत की पड़ती हैं। लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, कंपास बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और भी काफ़ी आइटम हैं। ये आप ऐसे सेवा के कार्य साल में कितने बार ऐसे करते हैं? ये हमारा साल में चलता ही रहता है, ये जून से शुरुआत होती है और ये दिसंबर जनवरी तक चलता रहता है। किसी ना किसी तरह की कार्यक्रम, किसी ना किसी तरह के प्रायोजन बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, काफ़ी कुछ चलता रहता है। सेवा के कार्यों के लिए उमंग फाउंडेशन सबसे तत्पर है। कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग करते हैं, करीब 450 बच्चों स्कूलों के हमने लोगों बच्चों के लिए कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। शाहपुर तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। चाइना प्रोडक्ट्स के खिलाफ राष्ट्रीय छावा संगठन द्वारा उल्लासनगर 2 स्थित नेहरू चौक परिसर में चाइना प्रोडक्ट जलाकर किया गया आंदोलन। पर्यावरण को बचाने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर के कई स्कूल के छात्रों के साथ एक जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ विठलवाड़ी द्वारा गोल मैदान परिसर स्थित 24वीं स्कूल में शौचालय का उद्घाटन किया गया, आइए देखते हैं। आज हम लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट था स्वच्छता विंग, जो हमारा बिजली का फर्स्ट एरिया का प्रोजेक्ट था, हमने कंप्लीट कर दिया और
हमने वो कंप्लीट करके 24 स्कूल को आज सौंप दिया हुआ है। हमें खुशी है कि हमारे पूरे डॉक्टरों ने सब मिलकर हमको सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर सके। और स्कूल की तरफ से भी उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला, उन्होंने खुद योग सीख काफ़ी साथ मिलकर हमसे परमिशन लेके दिया, जिसमें हमारा सहयोग पूरा दिन ललित अपना नीलेश हजीरा जी ने बहुत कोशिश करके जो पानी का कनेक्शन भी नीलेश हजीरा की तरफ से हुआ है, तो उनकी मेहनत की वजह से हुआ है। और जो लिंगे का विक्रय का से मिलने का जो योग से परमिशन लेने का वो भी नीलेश हजीरा ने लेके आया। बाकी जो हमारा टॉयलेट का खास काम था हमारा प्रकाश पंजाबी ने पूरा अपनी जिम्मेदारी पे लेके सब बनाया हुआ है। और मैं सबका खास करके टीचर्स का सब अपने रोटेरियन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे को अच्छी तरह कोऑपरेशन दिया, जिसकी वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि भले मेहनत हम लोगों ने की है, मगर उसमें जो एफर्ट्स है और जो पूरा क्रेडिट जाना चाहिए वो सिर्फ पूरा क्रेडिट हमारे जेठानंद भाटिया प्रेसिडेंट उनको जाता है, ना कोई मेरा श्रेय है ना किसी का अपना ही श्रेय है। पूरा क्रेडिट जेठानंद भाटिया जी और जो हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन है हमारे पास प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड प्रकाश पंजौनी जी, उन्होंने कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड अपने जेब से खर्चा करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। देयर कमिटमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस सुखदा विन थ्रस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट थ्रस्ट एरिया प्रोजेक्ट टीचर्स सुखदा विन इज एन कॉन्सेप्ट बीन डिजाइन बाय आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर because many a time it has been observed like the girl student as they do not have a proper toilet facilities in their schools, so they generally remain absent from the school or maybe ultimately they get into or drop out from the schools. So Rotary took the onus on themselves and district governor Subhash just requested each and every club participate in this kind of project. अब आप कर सकते हैं घर बैठे शॉपिंग, जान सकते हैं हमारे शहर में होने वाली मेडिकल कैंप्स की जानकारियाँ, मनोरंजन और बिजनेस संबंधी जानकारियाँ भी बिजनेस डायरेक्टरी में आपके अपने शहर उल्लासनगर एप्लीकेशन में। तो अगर रहना हो अपने शहर उल्लासनगर से अप टू डेट तो अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। अब आप पा सकते हैं शहर की खबरें सीधे मोबाइल फोन पर। अपना शहर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनादेश, आपकी आवाज। जनादेश, आपकी आवाज। आज ही डाउनलोड कीजिए उल्हासनगर सिटी मोबाइल ऐप और पाइए अपना शहर अपने मोबाइल फोन पर। तो बस आज के लिए इतना ही, नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश, आपकी आवाज। जनादेश, आपकी आवाज।